News 13 जय हिंद। तभी ये मराठा और मुस्लिम के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में भी जो है मुस्लिम रिजर्वेशन और मुस्लिम और जो बैकवर्ड क्लास के लोगों का रिजर्वेशन को कोर्ट ने भी माना था और उसको सही करार दिया था। अभी हमारा जो ये तीन सरकार जो मिलके जो पार्टियों ने मिलके सरकार बनाई है उसमें ये है, और जो ये जो निर्णय लिया गया था उस वक्त रिजर्वेशन का उस पर कायम है और वो रिजर्वेशन होगा। बजट अधिवेशन में क्या इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि अब तक अध्यादेश नहीं निकाले क्योंकि वो खराब हो चुका है। नहीं, इसमें कोई खराब और सही नहीं होता है। सरकार ने अपना निर्णय लिया है और सरकार के मिनिमम प्रोग्राम में है। और सबसे बड़ी बात तो कि देश में कोर्ट को मानेंगे कि नहीं। अगर कोर्ट ने भी कहा है कि रिजर्वेशन जो दिया गया वो सही है तो उसको लागू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत थी कि अगर वो इस रिजर्वेशन को मानती है तो उनको जो हिंदुत्व के नाम पे जो है इस देश के अंदर बवाल खड़ा करना और जो डिफरेंसेस पैदा करना है वो उनका एक हेतु था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको माना नहीं था। अब वो तो रहा नहीं, देश जो है परेशान हो चुका है। कहीं NRCC के लिए, CA के लिए सारे देश को जो है बांटा जा रहा है। देश में लोगों की नौकरियों का ठिकाना नहीं, लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं सारे। कई लोगों के साथ जो है महिलाओं की बातें भी बात करते थे, महिलाओं का जो हाल है इस देश में वो तो ऊपर वाला ही जानता है। और मीडिया को खास करके जो जिस तरीके से उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है, मीडिया के जो बड़े बड़े संपादक है, बड़े बड़े रिपोर्टर है, उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं है। एक ही उनके ध्यान में था कि किस तरीके से डिफरेंसेस, जो काम अंग्रेज छोड़ गए थे वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम कर रही है।